आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है कोल इंडिया की तरफ से। तो गाइस कोल इंडिया बहुत बड़ी टॉप एमएनसी कंपनी है, साथ ही देखिए ये गाइस गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया गवर्नमेंट लेटेस्ट कंपनी है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर वर्क करती है। गाइस यहाँ जो वैकेंसी आ रही है फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आ रही है, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। गाइस यहाँ पर जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, साथ में सैलरी पैकेज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लगभग 38,000 प्लस ही आप लोग की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। गाइस यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। साथ ही मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बात करूँ जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर। अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग इसका नोटिफिकेशन पहले जान लेंगे जिससे कि हम लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। और सबसे पहले आप लोग अगर टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे कि आप लोग यूट्यूब से जो भी हमारी अपडेट छूट जाती है या छोटी छोटी जो अपडेट होती है वो सभी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देती हूँ और आपकी कोई भी अपडेट वहाँ से मिस नहीं होगी। तो गाइस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गाइस आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लाने के लिए हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आपको नंबर दिया गया है वन फैमिली वन विजन वन मिशन की तरफ से, ये जो है एक निकाला गया है फॉर्म निकाला गया है और कंपनी रहने वाली है, देख सकते हैं यहाँ जो कंपनी का नाम दिया गया है। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है गाइस, ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये किसके अंडर वर्क करती है, आप लोग की कोल इंडिया के अंडर वर्क करती है, तेलंगाना और यहाँ पर तेलंगाना साइड की ये कंपनी है स्टेट की, तो तेलंगाना स्टेट में कंपनी रहने वाली है। और गाइज इसकी जो है अलग अलग, मतलब अलग अलग जो है इसके वो आपको प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसकी, जहाँ देख सकते हैं कोल माइनिंग ऑपरेशन इसके अंडर ये वर्क करने वाली है और बाकी आप लोग को डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस देख सकते हैं इन्होंने सबसे पहले पे स्केल बता दिया है, पे स्केल अलग अलग ग्रेड के अनुसार दिया जाएगा, जैसे ग्रेड सेकंड के अनुसार 29,000 प्लस दिया जाएगा, ग्रेड फर्स्ट के अनुसार 31,000 प्लस दिया जाएगा और स्पेशल ग्रेड के अनुसार 34,000 प्लस आप लोग को ये दिया जाएगा सैलरी। और आपका ये जो अलग अलग ग्रेड रहता है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। साथ में देखिए कुछ आप लोग का अलाउंस वगैरह दिया गया, जैसे अटेंडेंस बोनस हो गया या फिर इंक्रीजमेंट हो गया, ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग इनको देख लीजिए। इनके बारे में थोड़ा हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम लोग मेनली जो है अपनी एलिजिबिलिटी की और क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, ये दिया गया है नाम, नंबर ऑफ पोस्ट एंड नाम दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है जूनियर असिस्टेंट की आ रही है, ग्रेड सेकेंड के अनुसार सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, 29,000 प्लस सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, बैचलर डिग्री स्टूडेंट एलिजिबल हैं गाइस, और अगर आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट है आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री में कोई भी कोर्स किया है कंप्यूटर से रिलेवेंट, देखिए यहाँ पर दो चॉइस है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री है, 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर से रिलेवेंट कोर्स किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि कोई भी एक एक्यूरेट कोर्स होना चाहिए, कुछ भी कंप्यूटर से रिलेवेंट किया है तो आप लोग उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है कंप्यूटर ब्रांच से, या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एक ब्रांच होती है गाइस, इस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, बाकी आप लोगों से कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। देखिए एज लिमिट की बात करें तो 30 मैक्सिमम एज रखी गई है और एक यहाँ पर आप लोगों को जो है इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम एज देखी जाएगी, आपकी लगभग 1 जनवरी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST वालों कैंडिडेट के लिए, ये 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप लोग देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसके बारे में बता देती हूँ, ये जो है थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो टोटल वैकेंसी है 177 टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे रखी है, 700 प्लस वैकेंसी दिया गया है और अलग अलग यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी इसके लिए 177
बराबर है। इसी तरीके से जो हमारे एज वगैरह का इश्यू देख सकते हैं। बाकी देखिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना होगा वो हम लोग सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारे वहीं के स्टूडेंट हैं, लोकल स्टूडेंट, उनके लिए देखिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए रिलैक्सेशन अलग दिया गया है, रिजर्वेशन कोटा दिया गया है, ये लोकल वालों के लिए वैकेंसी है। तो लोकल वालों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ। अब गाइस फीस की बात करें तो आप सभी के लिए, जैसे जो हमारे SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कम फीस करना होगा, OBC वालों के लिए, जनरल वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा है। मतलब देखिए मैं आप लोग को पहले अप्लाई वाला प्रोसेस बता देती हूँ। जो आप लोगों के लिए अप्लाई प्रोसेस है उसकी जो आप लोगों की लिंक है टेलीग्राम एंड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सारा प्रोसेस देखिए दिया गया है, ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया गया है किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप लोग को इस लिंक पर जाना है, इसके बाद क्लिक ऑन करियर, देन आप लोग रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, देन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन देखने के बाद फिल आप लोग को फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, फॉर्म आप लोग अप्लाई कर देंगे। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप लोगों को ईमेल आईडी वगैरह अपना डाल लेना है। ये आप लोग को बेसिकली अगर नहीं भी आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोग को अप्लाई का वीडियो बना दूंगी। आप देखिए पेमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है 100 रुपये तो आप लोग की रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, बट गाइज एग्जामिनेशन फीस 300 रुपीज रहेगी। अब जो 100 रुपीज जो फीस रखी गई है गाइज, ये फीस कंपलसरी है, मतलब सभी के लिए आप लोग को करना है, जो चाहे आप लोग SC ST कैंडिडेट हैं या फिर आप लोग OBC कैंडिडेट हैं, सभी के लिए फीस ये फिलअप करनी होगी। लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो सिर्फ आप लोग को जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है इम्पटी पेमेंट एग्जामिनेशन फीस। देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस है तो रजिस्ट्रेशन फीस सभी को सबमिट करनी है, एग्जामिनेशन फीस SC ST वाले कैंडिडेट हो गए या एम्प्लॉय हो गए, किसी भी मतलब पहले एम्प्लॉय हैं आप लोग के उसी डिपार्टमेंट से, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जामिनेशन फीस नहीं करनी है और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होगी। आप लोगों को क्या क्या देखिए लगाना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी इन डॉक्यूमेंट की या फिर इन किसी भी माध्यम से आप सभी फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। जनरल का आप लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और आपके जो डॉक्यूमेंट किस किस माध्यम में आप लोगों को कितने KB में करना है वो दिया गया है, 10 KB, 50 KB साइज आप लोगों को बताया गया है। साथ में गाइस आप लोगों के यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी गई, और आपको बाकी सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। आपको अगर नहीं आता है फॉर्म फिलअप करना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन रिटेन एग्जाम। अब आपके रिटेन एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कितने आने चाहिए, 30% आप लोग के होने चाहिए PW EWS वालों के लिए, और यहाँ पर 25 दिया गया, 15 दिया गया, 15 SC ST वालों के लिए और 25 BSC वालों के लिए, ये सभी दिया गया। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा ये आप लोगों को बताया गया है। तो गाइस बेसिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिटेल थी वो बता दी है, ये आप लोग के सेंटर दिए गए हैं, इन लोकेशन पर आप लोग का सेंटर जा सकता है। और बाकी जो आप लोग अगर फॉर्म को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं गाइस। और आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म जो है लैपटॉप या PC की ज़रूरत है, आप लोग बेसिकली फॉर्म्स जो है फ़ोन से ही फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस ये सारी चीज़ें आप लोग को ये डॉक्यूमेंट दिया गया है, मैं आप लोगों को इस फॉर्म को प्रोवाइड कर दूंगी, अब वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।